खानकाह फामिकिया में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की याद में मजलिस का किया गया आयोजन। आपको बता दें कि बरेली वामिकिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से खानकाह वामिकिया निशातिया में 10 मुहर्रम को इमाम आली मुकाम की शहादत पर तकरीर का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले सुबह खानकाह में महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान से किया गया। फिर उलमाओं ने इमाम हुसैन की शान में नातों मनकबत का सिलसिला शुरू किया। फिर करबला का पूरा मंजर इमाम हुसैन के मौजू पर हज़रत सैयद मोहम्मद मियां ने अपनी तकरीर पर बयान की। हज़रत ने तकरीर में इमाम हुसैन और उनके पूरे खेमे पर रोशनी डाली और इमाम हुसैन की शहादत पर जो बयान किया उससे मजलिस में जितने हुसैनी बैठे थे सबकी आंखें नम हो गईं। इमाम हुसैन के नाम पर हुसैनी अपनी आंख से आंसू नहीं रोक पाए। उसके बाद सैयद असलम मियां भी सादात पर बोले और उन्होंने बोला, आले रसूल से जो मोहब्बत करता है वो सच्चा हुसैनी है। सैयदों की पहचान बताई। उन्होंने आला हज़रत के बारे में बताया कि आला हज़रत ने सैयदों की पहचान कराई। उसके बाद निशाद मियां का लिखा सलाम पढ़कर दुआएं खैर कर लंगर आम किया। देखिए सैयद सलमान की रिपोर्ट। हैदर सलाम दो नूरे निगाहे हजरत हैदर सलाम दो बिनते रसूल पाक के कावर सलाम दो मजरूम कशना काम बरा संजात को संजीव बनाते हैं।